इस फिल्म से मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रखी थी। उसकी दो वजह थी, पहली इस फिल्म का मैंने बजट देखा जो कि सिर्फ 40 करोड़ था, और दूसरी ये कि मैंने इसका ट्रेलर देखा था जहाँ पे मुझे कुछ कुछ जगह VFX थोड़ा सा ना रियलिस्टिक नहीं लग रहा था। तो उस चीज़ को लेके माइंड में मैंने सोचा कि यार इसको मैं सिर्फ इन्जॉय करूंगा, देखते कि अच्छी निकलती है नहीं निकलती। लेकिन शुरुआत करते हैं फिल्म की जो कि काफी कमाल की हुई थी। लेकिन फिल्म के अंदर है ना कुछ लीनियर कट्स थे जो कि काफी एब्रप्ट लग रहे थे मुझे। स्टोरी जैसे बिल्डअप हो रही थी वो काफी कमाल की थी, मतलब मानो कि इस फिल्म के अंदर है ना मुझे डायरेक्टर के काफी एफर्ट्स दिख रहे थे। जो स्टार्टिंग में जो विजुअल दिखाए गए थे ना हनुमान जी के, वो इतने ज्यादा रियल थे जितना मैंने सोचा था, उससे कहीं 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 बेटर। मूवी के अंदर VFX जिस लेवल के करे गए थे अपने बजट को देख के काफी बेटर थे। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत अच्छे थे, 19-20 का फर्क दिख रहा था। स्टोरी को जैसे बिल्ड किया है, कैरेक्टर्स को बिल्ड किया है, लेकिन इस फिल्म ने हमें एक राइड करा दी थी मार्वल से लेकर DC तक की। मैं ये सोच रहा हूँ ये वाला सीन तो मैंने मैन ऑफ द स्टील में देखा था, जो यहाँ पे रिप्लीकेट कर रहे हैं, मतलब इंस्पायर करके रिक्रिएट किया होगा। इस फिल्म के अंदर है ना यार इन्होंने जिस तरीके से कोशिश करी है, कोशिश वो काफी अच्छी रही है। माना कि रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिल पाए, लेकिन स्टिल हमें काफी ठीक लगा। हमें भी अच्छा लगा कि जो हमारे भगवानों के ऊपर, देवताओं के ऊपर जो फिल्म बन रही है, हमारे हनुमान जी के ऊपर, वो इतनी अच्छे से प्रेजेंट हो रही है, उनके बारे में बताया जा रहा है, और फिल्म के कैरेक्टर्स के जो लोगों का कल्चर है वो दिखाया जा रहा है इतने अच्छे तरीके से। लेकिन जब क्लाइमैक्स के अंदर अपने हनुमान जी की भाई एंट्री होती है, वो एक आइकॉनिक एंट्री थी। और इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील बनाई थी जहाँ पे ट्रेलर को देखते देखते कैसे मैं मूवी पर पहुंच गया, वो भी तुम चेकआउट करना। मेरा इस फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत ही बेटर रहा है, फार बेटर देन आदि पुरुष। मैं बोल रहा हूँ अगर ओमकार कहीं दिख गया ना इनको, उसको दो जूते मारने चाहिए और ये फिल्म दिखानी चाहिए। ये मूवी मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय करी है, तुम भी जरूर करना अगर तुम चाहो तो। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बजरंगबली।